एप्लेट कोर्ट में क्या क्या चीजें आप आर्ग्यू कर सकते हैं जिससे जो है आपकी मेंटेनेंस कम हो जाए, लाखों के एरियर्स आपके ऊपर खड़े हो जाए, यही बोलेगा कि आप ये पे करो या नहीं, नहीं तो जेल जाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितेश बांका, आप मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे जो है मेंटेनेंस केसेस में आपके अगेंस्ट अगर कोई हैवी मेंटेनेंस ऑर्डर हो गया है, एप्लेट कोर्ट में क्या क्या चीजें आप आर्ग्यू कर सकते हैं जिससे जो है आपकी मेंटेनेंस कम हो जाए। प्रॉब्लम तब आती है जब मेंटेनेंस आपके ऊपर बहुत ज्यादा बन जाता है। सपोज 70,000 रुपये महीना बन गया, 80,000 रुपये महीना बन गया, और ये मेंटेनेंस आपको शुरू से देना पड़ेगा, तो लाखों के एरियर्स आपके ऊपर खड़े हो जाएंगे, और ये लाखों के एरियर्स आपको बहुत परेशान करेंगे, बहुत ही ज्यादा आप डिप्रेसिव फील करोगे। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि कोर्ट जो है कुछ नहीं सुनेगा जब ये ऑर्डर्स आपके अगेंस्ट पास हो जाते हैं, तो आपको सीधा कोर्ट यही बोलेगा कि आप ये पे करो या नहीं, नहीं तो जेल जाइए। आपकी सैलरी तक अटैच हो सकती है, जो आप कमा रहे हो वो कुछ पोर्शन जो है वाइफ को चला जाएगा। तो ऐसे में ये है कि एक ही अब आपके पास ऑप्शन बचता है, जो लीगल ऑप्शन जो बचता है वो है अपील करना उस ऑर्डर की। देखिए क्या होता है कि अपील करने का भी तरीका होता है, और हर एक जो अपील में आप जब भी जाते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होती है स्टे लेना, स्टे ऑन दैट ऑर्डर जो ऑर्डर पास हुआ है। देखिए अब मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ, जो ऊपर वाले कोर्ट्स हैं वो आपको स्टे तो दे देंगे, बट हमेशा जो है कुछ डिपॉजिट की डिमांड करेंगे कि आप जो है अरियर्स जो है डिपॉजिट कर दीजिए, कुछ अरियर्स क्लियर कर दीजिए, तभी आपको जो है स्टे ऑर्डर मिलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको स्टे ऑर्डर नहीं मिला तो निचली अदालत आपको से जो है पैसे मांगेगी कि आपको जो है वो पैसे डिपॉजिट करने पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको जो है एप्लेट कोर्ट में स्टे ऑर्डर लेना, ये चीज आप ध्यान रखिए। अब किन किन ग्राउंड्स पे ये स्टे ऑर्डर मिल सकता है, आज उस पे जो है आइए डिस्कस करते हैं। देखिए मैं आपसे ये डिस्कशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जो केसेस हैं ऑल ओवर इंडिया लड़े हैं। मैं बॉम्बे भी गया, जलपाईगुड़ी भी गया, मैंने पटना हाई कोर्ट भी रिप्रेजेंट किया हुआ है, हैदराबाद भी किया हुआ है, बैंगलोर भी किया हुआ है, पंजाब हरियाणा भी किया हुआ है, राजस्थान किया हुआ है, तो ये मेरे इतने सारे हाई कोर्ट्स का जो एक्सपीरियंस है आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आप जो है एक चीज तो मेरे लिए कर सकते हैं कि इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जिनको जो है रिक्वायरमेंट है, अपने आप किसी ग्रुप का पार्ट होंगे वहां पे जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को सही में हेल्प पहुंच पाए। तो यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट चीज ये है कि किन किन ग्राउंड्स पे आपको जो है ये स्टे ऑर्डर मिल सकता है, और इवन आप जो है अपील भी जो है जीत सकते हो। ये ग्राउंड हमेशा लीजिए ऊपरी अदालत में, एप्लेट कोर्ट में ये ग्राउंड हमेशा लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट ग्राउंड इसमें ये होता है केपेबल ऑफ वर्किंग वाइफ, ये अगर आपकी वाइफ क्वालिफाइड है, वो पहले काम कर चुकी है, उसकी डिटेल्स आपके पास हैं, ये सब चीजें आप मेंशन करके जो है ऊपर से स्टे ऑर्डर या अपनी अपील लड़ सकते हैं कि जनाब मेरी वाइफ तो पूरी क्वालिफाइड थी, वो एक तरीके से पहले तक जॉब करती थी। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्राउंड आज की डेट में है, इस ग्राउंड को नजरअंदाज मत कीजिएगा। ये चीज जो है ममता जायसवाल की जजमेंट है उसमें कवर्ड है, तो ये ग्राउंड आप जरूर लीजिए, ये आपको जो है आपकी मेंटेनेंस रिड्यूस करवा देगा। मैंने एक आर्टिकल भी इस पे लिखा हुआ है, वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं, और साथ ही साथ मेरी नई ई बुक आई है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको अवेलेबल हो जाएगी मेरी तरफ से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। दूसरा ग्राउंड आप ये ले सकते हैं कि वाइफ साइड के खर्चे क्या है, एक्सपेंसेस पे जोर डालिए कि उसके एक्सपेंसेस कितने हैं, उसने अपने इनकम एफिडेविट में कितने एक्सपेंसेस डाल रखे हैं, और जज साहब से हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो एक्सपेंसेस इन्होंने डाल रखे हैं ये सब लग्जरी को पॉइंट आउट करते हैं, नेसेसिटीज को पॉइंट आउट नहीं करते हैं, जबकि मेंटेनेंस का एक ही उद्देश्य होता है कि आपकी जो है नेसेसिटीज को पूरा करना है एज पर द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये नहीं कि आपकी लग्जरी को आपूर्ति करना। तीसरी चीज ये है कि मेंटेनेंस का पर्पस इक्वलाइज करने का नहीं होता है। अगर आपकी मेंटेनेंस इतनी ज्यादा है कि आपकी जो इनकम है और जो वाइफ को जो मिल रहा है वो बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे, वो चीज आप आर्ग्यू कर सकते हो, इस पे भी जजमेंट है, इक्वलाइजेशन के लिए मेंटेनेंस नहीं होती है, ये ऑब्जर्वेशन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, ये भी चीज आप आर्ग्यू कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आप आर्ग्यू कर सकते हो आपकी लाइबिलिटीज,
आपकी लाइबिलिटीज क्या है, क्या आपके पेरेंट्स आप पे डिपेंडेंट है, क्या पेरेंट्स ओल्ड एज है, क्या वो किसी डिजीज से गुजर रहे हैं, ये सब चीजें जो है आपको हेल्प कर देंगी जब आप ये मेंटेनेंस केस करेंगे, क्योंकि आपकी जो पेरेंट्स है वो भी आपकी लाइबिलिटीज हैं और वो एक लेजिटिमेट ग्राउंड है मेंटेनेंस को रिड्यूस या कम कराने का। एक बहुत ही बेहतरीन ग्राउंड मैंने कुछ दिनों पहले ऑब्जर्व किया था कि रजनीश वर्सेस नेहा की जजमेंट के हिसाब से जो मेंटेनेंस है वो शुरू से बनती है, यानी डेट ऑफ एप्लीकेशन से आपकी मेंटेनेंस बनेगी। पर एक चीज आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब डेट ऑफ एप्लीकेशन से अगर मेंटेनेंस बनेगी और 5 या 6 साल केस चला, उस टाइम पे आपकी उतनी इनकम नहीं थी जिस इनकम से आपकी अभी मेंटेनेंस हुई है, तो ऐसे में ग्रेडेड मेंटेनेंस जो है वो कोर्ट को सेट करनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है रजनीश वर्सेस नेहा में कि जब वो मेंटेनेंस कहते हैं कि जी शुरू से हो और आपकी करंट सैलरी टेकन इनटू अकाउंट होती है मेंटेनेंस फिक्स करने के लिए, जो कि बहुत बड़ा इनजस्टिस हस्बैंड्स के साथ हो जाता है, तो आपकी जो मेंटेनेंस है उस टाइम की सैलरी के हिसाब से बननी चाहिए, ना कि आज की सैलरी के हिसाब से आपकी मेंटेनेंस बने। तो ये ग्राउंड भी बहुत बढ़िया ग्राउंड है जो मैंने अभी रिसेंटली अप्लाई किया था, और इस ग्राउंड पे भी स्टे ऑर्डर आपको मिल सकता है। फिर अगर वाइफ साइड कोई डिजीज या कोई प्रॉब्लम है उसे, और तब मेंटेनेंस बन गई है, हालांकि वो वर्किंग है बट उसे कुछ प्रॉब्लम है, डिजीज है, तो तब भी मेंटेनेंस आप रिड्यूस करवा सकते हैं। आप ये कह सकते हैं जज साहब से कि मैं मेंटेनेंस उसे देने को तैयार हूँ, बट प्रोवाइडेड वो एक लेजिटिमेट आपको बिल्स प्रोवाइड करें, उसको आप क्लियर करें, तो मेंटेनेंस जो है रिड्यूस हो जाएगी। ये अभी मैंने बॉम्बे हाई कोर्ट में रिसेंटली अप्लाई किया था। तो ये सारी जो मेरी रिसर्च है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जरूर ये आर्टिकल्स और मेरी ईबुक जरूर डाउनलोड कीजिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे जो है मेंटेनेंस जो है इन इन ग्राउंड्स पे रिड्यूस आप करा सकते हैं। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।